आज सागर जिले के राहतगढ़ में शेयर एंड केयर सोशल वेलफेयर सोसाइटी भोपाल प्रेसिडेंट सैयद सोहेल हसन के द्वारा राहतगढ़ स्थित वार्ड क्रमांक 9 राहतगढ़ सेंटर ब्रांच पर गरीब वृद्धजनों जरूरतमंदों लगभग 250 लोगों को खाना वितरण किया गया। साथ ही बुजुर्ग महिलाओं और बुजुर्ग पुरुषों को नगद राशि वितरण की गई, साथ ही राशन किट वितरण की गई। प्रेसिडेंट सैयद सोहेल हसन ने बताया कि राहतगढ़ के अलावा ग्राम हिरणखेड़ा, रायसेन, गढ़ी, गेरतगंज इसी प्रकार खाना और राशन किट वितरण कर नगद राशि दी गई। राहतगढ़ से कुछ देर बाद सोशल एंड केयर वेलफेयर सोसाइटी की टीम रायसेन के लिए रवाना हो जाएगी। राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। से मैं सैयद सोहेल हसन, आज 28 मई 2021 है और भोपाल से तकरीबन 150 किलोमीटर सागर डिस्ट्रिक्ट में मैं राहतगढ़ में आया हूँ। अभी एक हिरणखेड़ा के बीच में जगह थी, वहाँ वेलफेयर का काम करके आ रहा हूँ। उसके बाद ये सागर डिस्ट्रिक्ट में राहतगढ़ है, यहाँ तकरीबन 200-250 लोगों का खाना जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है, ग्रॉसरी है और कुछ कैश अमाउंट जो है वो इन ज़रूरतमंद लोगों को, बीमारों को और बेवाओं को और ऐसे बुजुर्गों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि ये डोनेशंस के जो पैसे होते हैं ये मुझे मेरे ऊपर भरोसा करके देते हैं डोनर्स। तो मेरा ये काम होता है कि सही ज़रूरतमंद ढूंढूं, तलाश करूं और तलाश करके ही उन्हें ये पैसा मदद पहुंचाने की कोशिश करूं। अब इसके बाद मेरा रायसेन डिस्ट्रिक्ट का टूर है, थोड़ी देर बाद जहाँ गढ़ी है और गैरतगंज है, इन दो जगहों को, और रास्ते में एक जगह जो है रायसेन के करीब में है, तो मुझे खुदवई करके गांव है, वहाँ भी जाना है और वहाँ हेल्प पहुँचाने की पूरी पूरी कोशिश करना है आप लोगों के डोनेशंस की। मेरे जो काम हैं वो आपको बता दूँ, मैं जो आप इधर पीछे देखेंगे इसके ऊपर, तो मेरे जो है मरीजों के काम हैं, लावारिस लोगों के काम हैं और उसके साथ साथ बेवाओं और यतीमों के काम हैं। लावारिस लोगों के, जिंदा के लोगों के काम भी हैं कि उनका इलाज कराना और उनके इलाज करा के उनका घर तलाश करके उनके घरों तक पहुंचना। मेरे पास से जो है तकरीबन 18-18 साल पुराने एजुकेटेड लोग भी जो अपने घर से बिछड़ गए थे, मेंटल डिस्टर्ब हो गए थे या पैरालाइज्ड हो गए थे, वो अपने घरों पर पहुँचे हैं और आप लोगों की दुआओं से ये बहुत बड़े लेवल पे काम चल रहा है। उसके अलावा जो है लावारिस लाशों का जो है उनका घर वालों का पता लगाना, तो उनके घर वालों तक पहुँचा के और उनका क्रियाक्रम कराना। अगर उनके घर वाले नहीं मिल पाते हैं तो फिर मैं जो है उनके धार्मिक धर्म के अनुसार उनका क्रियाक्रम करने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। उसके अलावा जो मेरे काम हैं मवेशियों के हैं, जानवरों के हैं। मवेशियों में मेरा ख़ास तौर से जो काम है वो ये काम है कि हमारी धार्मिक आस्था का हम ध्यान रखते हैं। हमारे हिंदू भाइयों, हिंदू धर्म के अंदर ये बताया गया है, कि वो गाय की पूजा करते हैं, हमें उसका एहतराम करना चाहिए कि उनकी आस्था का। तो हम जो है रोड्स के ऊपर जो गाय बैठी रहती हैं उनको रोड्स के ऊपर से हटाना, उनके रेडियम लगाना और उनका चारे का और पानी का इंतजाम करना। उसके साथ साथ जंगली कुत्ते, बिल्लियाँ हैं, इन लोगों का भी हम लोग ख्याल रखते हैं। और हमारे ये सेंटर आप जो देखेंगे, जो मैंने बनाया है, यहाँ प्लास्टिक का सेंटर ही है और यहाँ तकरीबन जो है 150-200 लोग जो है अभी यहाँ स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, ये सब चीज़ें ले रहे हैं। इसमें बच्चे से लेके और 80 साल की उम्र तक की लेडीज़ हैं, तो वो लेडीज़ जो है उनको हमें एजुकेशन कराना, उनको स्किल डेवलपमेंट कराना है, जिससे वो अपने पैरों पर खड़े हों, बुज़ुर्ग हों या लड़कियाँ हों, उन्हें अपने किसी काबिल बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे ज़्यादा हम तरबियतों का जोर देते हैं और तरबियत में भी जो है हमारा ख़ास तौर से ये तवज्जो देने की होती है। आप मेरे हर बैनर में, हर स्पीच में देखेंगे ये कि उनका जो है ज़्यादा से ज़्यादा सरकार का जो है ख्याल रखने का, कि सरकार में जो है पुलिस डिपार्टमेंट ख़ास तौर से और हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट की पूरी टीम, उसके अलावा जो है बिजली कर्मचारी हैं, डाकघर वाले हैं और बैंक कर्मी हैं, मीडिया कर्मी हैं और पत्रकार लोग हैं, हमारे साथी लोग जो दिन रात अपनी एक करके इस बीमारी में भी जो है उसका साथ दे रहे हैं लोगों को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि मेरा जो है हर चीज़ों के ऊपर ये काम है और ये ख़ास तौर से इस चीज़ का ध्यान दिया गया। हमें सबका सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि लोगों को जो है एक दूसरे की इंसानियत में साथ देना और उनका कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ाने की हमारी कोशिश करना। हम अपने डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा इससे जो है ज़िले के साथ साथ जो है हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा और हमें देश को भी जो है एक उरूज पे ले जाना है। हमें जो है लोगों को एजुकेट करके और दुनिया के अंदर हमारे हिंदुस्तान का नाम करना है। तो अगर आप लोग किसी किस्म की ऐसी कुछ जो है डोनर्स लोग कभी किसी ज़रूरतमंद लोगों की, सही ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो मेरा नाम सैयद सोहेल हसन है, मेरा मोबाइल नंबर है 9425649001 और मेरा चैरिटी का बैंक अकाउंट नंबर है कैनरा बैंक का, आप ये देख सकते हैं। अगर आप लोग इसके ज़रिए डोनेट करना चाहें
तो इन लोगों की तरक्की के लिए, इन लोगों की परेशानी के लिए आप डोनेट कर सकते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग अगर डायरेक्ट अपने हाथों से जो है इन लोगों की मदद करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि आपको लगेगा कि हाँ आज हमारा पैसा सही जगह के ऊपर, सही ज़रूरतमंद लोगों के ऊपर, सही बीमारों के ऊपर खर्च हुआ। तो इससे आप लोगों में भी एक जज्बे आएंगे और हम जो है इन कामों में आगे बढ़ें, जिससे हमारा देश जो है कहीं भी किसी किस्म से ज़रूरतमंद या परेशानी से ना रहे। हम सब अपनी जो है परेशानियाँ सिर्फ और सिर्फ सरकार को ना बताएं या उनकी कमियाँ ना ढूंढें, और हम जो है सिर्फ लोगों से ये कहें कि एक दूसरे का साथ दें, सरकार का साथ दें, डॉक्टर पुलिस का साथ दें, हमारे पॉलिटिशियन का साथ दें, कंधे से कंधा मिला के इन लोगों का साथ दें, तो एक वक्त ये आएगा कि हमारा हिंदुस्तान जो है दुनिया के अंदर टॉप पे होगा, जिसे हमें गर्व करना चाहिए जो है और कहना चाहिए हिंदुस्तान जिंदाबाद, और हमें एक दूसरे का साथ देके और इसको कंट्री को आगे बढ़ाना है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका सर। राहतगढ़ में लगभग कितनी महिलाओं को राशन सामग्री वितरित की गई? राहतगढ़ में मेरे ख्याल से तकरीबन 700-800 जो है फैमिलीज जो हैं, इन लोगों को जो 700-800 नंबर्स इन लोगों को मैं ग्रॉसरी डिस्ट्रीब्यूशन कर चुका हूँ, किराने का सामान, और उसके अलावा जो है सागर में भी हमने डिस्ट्रीब्यूट करा है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में भी, गढ़ी में, गैरतगंज में, अभी भी मैं यहाँ से वहीं जा रहा हूँ, और अभी हमने जो काम शुरू करवाया है आप देखेंगे, ये खाने का काम शुरू करवाया है, जो इसका जो है खाना पकवा के और इन गरीबों को, ख़ासतौर से बेवाओं को और ऐसी महिलाएं जो बीमार हैं या जो फैमिली बीमार हैं, उनका हम 200-250 लोगों का खाना जो है हर हफ्ते यहां से बंटवाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जो है हमारे पास आलमपुर जो है यहां एक जगह है गांव, उसमें भी हमारे पास एक ब्लाइंड शख्स हैं जो अंधे होने के बावजूद जो है बकरियाँ चलाने का काम करते हैं, वो फैमिली और दूसरी फैमिली, और यहाँ भी अभी कुछ देर पहले एक शख्स गए हैं बुजुर्ग जो अंधे हैं, नाबीना हैं, ब्लाइंड हैं, तो वो बीड़ी बनाने का काम करते हैं। तो मेरी हमेशा कोशिश ही रहती है डोनर से कि हम ऐसे ऐसे ज़रूरतमंद लोग ढूंढें और उनका काम करें। मेरा ख़ास तौर से ये कहना है कि हम सभी देशवासियों से कि हम अपने देश के नागरिकों को या किसी भी इंसान को, आपस में बरादरी है या किसी धर्म में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।